हमीरपुर नगर परिषद में 45 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला देर रात को हुआ, जिसमें 11 वार्डो में किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थकों को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। जहां 5 वार्डो में भाजपा समर्थितों ने जीत दर्ज की तो 2 में कांग्रेस और 4 वार्डो में आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। वहीं परिणामों में वर्तमान भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पटखनी मिली है। गत देर रात तक नगर परिषद के चुनावों की मतगणना के बाद आए परिणामों में भाजपा को बड़ा झटका लगा। भाजपा के विधायक नरेंद्र ठाकुर के खुद के वार्ड में कांग्रेस की उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं हमीरपुर की हॉट सीट माने जाने वाले वार्ड नंबर 4 और 8 व वार्ड नंबर 10 में आजाद उम्मीदवारों ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों पर भारी मतों से शिकस्त दी। वार्ड नंबर 1 से विजय उम्मीदवार नीना चौधरी ने कहा कि मेरे पति के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के चलते एक बार फिर से बाढ़ की जनता ने समर्थन दिया है। मैडम, कहीं न कहीं कहेंगे आपने जो विधायक हैं उनके इलाके की सीट जीती है, कितना टफ मानते थे जो सीट जीतना थी? क्योंकि हम इसे बिल्कुल टफ नहीं मानते थे, क्योंकि जो अनिल चौधरी जी हैं जिन्होंने वार्ड में बहुत ज्यादा विकास किया है, उनकी उनकी वजह से हमें इतना ज्यादा वार्ड की जनता का समर्थन मिला है। मैं वार्ड की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। वार्ड नंबर 4 से भाजपा के 2 बार के अध्यक्ष रहे दीप कुमार बजाज को 200 अधिक मतों से हराने वाले आजाद उम्मीदवार संदीप उर्फ सिमू ने बापू खोकर कहा कि मेरी जीत के लिए सभी वार्ड के लोगों की जीत है। बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है नगर परिषद के लिए, क्या कहेंगे आप? नगर मेयर को तो सबसे पहले अपने सब लोगों को, अपने पूरे वार्ड को बधाई देनी है, जिनके आशीर्वाद से मैं चुन के यहाँ पहुँचा हूँ। और मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे साथ जिन्होंने पूरा समय मेरे साथ दिया है, हर समय मेरे साथ रहे हैं, चाहे मुझे टिकट मिला चाहे ना मिला, पर मेरे साथ जितना लोग बांट के चले हैं, चाहे मेरे सहयोगी चले हैं, मैं सब उनके आशीर्वाद से बना हूं और तय उम्र मैं उनका एहसान और कर्जदार रहूंगा। बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। जो कैंडिडेट था, जो प्रेजिडेंट कैंडिडेट माना जा रहा था, उसको हराया। इस समय भावुक भी हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। वार्ड नंबर 10 के निवर्तमान अध्यक्ष सुलोचना देवी को करारी शिकस्त देने वाले डॉक्टर सुशील कुमार ने अपने वार्ड की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वार्ड के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड की जनता की जीत हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने वार्ड की सारी जनता का, जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया। और मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया था और मुझ पर इतना ज़्यादा आशीर्वाद देने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि सारी जो अपेक्षाएं मुझसे हैं उनको पूरा करूं। धन्यवाद। इतनी बड़ी जीत क्यों थी आपको? भारी मतों से आप जीते हैं, आप 395 मत मिले हैं, जबकि जो भाजपा की प्रत्याशी सुलोचना देवी थी उनको मात्र 130 मत मिले हैं। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? मुझे तो शायद नहीं होगी, लेकिन हमारे वार्ड की जनता को पूरी उम्मीद थी कि मैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं वार्ड के प्रति वो मैं पूरी कर सकता हूं। ये वार्ड नंबर 10 की सारी जनता की जीत है। थैंक यू। वार्ड नंबर 7 से विजय हुए प्रत्याशी विनय कुमार ने अपनी जीत के लिए बाढ़ के वासियों को श्रेय दिया और बाढ़ के लोगों के समर्थन से ही जीत हासिल की है। के वासियों को इसका इस जीत का श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, ये संभव हो पाया।